स्ट्रेच करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है गाइस। अब आप लोगों को तो पता ही है कि मैं कितनी सारी चोरी करता हूँ, अगर नस खिंच जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। दैट इज व्हाई एवरी मॉर्निंग आई स्ट्रेच। तुम लगा के आयशा बुबे भैसा यहाँ पर ही स्ट्रेच कर रहा है और माइकल ने तो सीक्रेट रूम बना दिया। ए, कौन है? बॉब के बच्चे? सॉरी डराने के लिए। अब सॉरी बोलने का क्या फायदा, कमर तो मेरी टूटी गई। तू तो बोलता है मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ तो मैंने कब बोला कि मेरे को दर्द हुआ, और माइकल के बारे में क्या बोल रहा था? टॉमी ने बताया कि माइकल ने नया सीक्रेट रूम बनाया है। अब ये टॉमी कौन है? माइकल का पेट और मेरा दोस्त। अच्छा तो माइकल ने भी पेट ले लिया, वाह। और ये सीक्रेट रूम भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है गाइस, चल के देखते हैं। बॉब व्हाई आर यू देयर, कम हियर। वो आने वाला था, कैच कर लिया मेरे को। तो आ ना, प्रोफेशनल कैचर बोलते, एक हाथ से पकड़ लूंगा तेरे को। नहीं ये दो हाथ यूज करना। अच्छा ठीक है, अब तू बोल रहा है तो दोनों हाथ से कैच कर लूंगा, अब आना जल्दी। आ रहा हूँ, स्पीड के लिए पीछे गया था। लेट्स गो फुल स्पीड। एप्लोजाइज, वो मैं ये ग्लास देख रहा था यार, काफी हाई क्वालिटी माल है। स्कैम करता है, मेरे को नहीं पकड़ा। टेंशन काहे को लेने का, ठीक तो है तू। और वैसे भी एक मर्द एलियन बंदर का तू पेट है। अरे तू भी मर्द है ब्रो, और मर्द को दर्द नहीं होता। नहीं पकड़ा करके सॉरी बोल देता, डायलॉग मार रहा है। डायलॉग से याद आया, डायलॉग स्टार्ट होता है डी से और सब्सक्राइब्ड के एंड में डी होता है, तो गाइस सब्सक्राइब करिए। वो भीख मांगने का नया तरीका। वैसा नहीं है लेकिन हाँ यार, सब्सक्राइब कर दो गाइस जो भी चैनल बनाया है। और अभी का हमारा मिशन है माइकल की सीक्रेट बेस को देख कर आने का। ध्यान से, ये पकड़ा जाएगा नहीं तो। तू भूल रहा है क्या, मैं एक प्रोफेशनल असैसिन हूँ। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, यू जाऊंगा और यू आऊंगा और यू ऊपर जाएगा। नहीं नाक को हिल, वैसे नहीं होने वाला। ऑलराइट तो गाइस, वहाँ पर जाने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं अपना फॉर्मूला 1 कार। ओ कुछ ज्यादा ही कमाल का ड्रिफ्ट कर रही है। टीटू भैया को बोला तो था कि इसका ड्रिफ्टिंग पावर इंप्रूव करो, लेकिन कुछ ज्यादा इंप्रूव हो गया। तो कोई नहीं, हम लोग प्रोफेशनल ड्रिफ्टर है, दिस इज वेरी वेरी इजी फॉर अस। दैट वाज क्लोज। आप लोग को लगा होगा कि मैं क्रैश करा, बट क्रैश नहीं था गाइस, वो मैं जानबूझ के स्टंट कर रहा था। ओ क्या बात है, इसके ब्रेक्स तो बुगाटी से भी ज्यादा खतरनाक है। और ये क्या हो रहा है यार, सच बोल रहा हूं गाइस, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इसका हैंडलिंग बहुत ज्यादा वियर्ड है। फाइनली माइकल के घर के पास आ गए। और गाइस मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रक वाला आया था 20 किलोमीटर पर आवर में और मेरे को ठोक दिया। झूठ बोल रहा है, इसने ट्रक वाले को ठोका था। कितनी स्पीड में चौप? 230 किलोमीटर पर आवर। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते हैं। और यहाँ पर मैं आराम से जाने की सोच रहा था, मेरे सामने क्यों आया तू? एक मुक्के में उठ रहा है। कोई नहीं, एक मुक्का एक लात, दो लात, कितने लात खाएगा? लगते तेरे पावर कम हो रहा है। हाँ। किसने बोला मेरा पावर कम हो रहा है? जीटी वालों ने एनपीसी को बफ करा, मेरी गलती नहीं है। एज अ प्रोफेशनल असैसिन हम लोग को काफी स्नीकी स्नीकी जाना चाहिए गाइस। हम लोग को नहीं, तेरे को। हाँ मेरा मतलब ही वही था, गेट खुल गया भागो। इट्स ओके गाइस, बड़े बड़े मिशन में ऐसे बड़े बड़े मिस्टेक्स होते रहते हैं, लेकिन आप लोग को उन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ते रहने का है। ध्यान से, अभी चोट लग जाती। अब क्या बोले, नए शूज है ना, तो उसके लिए फिसल गया। बहाने नहीं मार रहा, सच्ची मुच्ची कुची पुच्ची। और यहाँ पर ही इसने रैम क्यों लगा रखा है? लगता है माइकल तुम्हें देख के स्टंट करने लग गए। कौन माइकल? उसके बस के नहीं है, फट्टू कहीं गया है। जिमी होगा फिर, वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और ये क्या है? पुलिस भाई, ये बात तो नॉर्मली भी बोल सकता था। अभी इतनी कमाल की बाइक मिली है तो नॉर्मल वॉइस में कौन बोलेगा, नाक टूट गया। इट्स ओके गाइस, मर्द को दर्द है, ये कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं है। सही में गाड़ी को बस टेस्ट करा था, अब तो इसको टेस्ट करना ही पड़ेगा। व्हाट अबाउट ए सीक्रेट रूम? वो भी एक्सप्लोर करेंगे, उससे पहले इस फरारी को एक्सप्लोर करती है। डैम, सही में बाइक किसी वेपन से क्या हो रहा है? एम्बुलेंस को उड़ा दिया। कैसे? तुम लोग जानते भी उसका वेट कितना रहता है? माइकल की बाइक तो सही में बहुत ही ज्यादा ओपी है। रुको एक बार ट्रक पे भी ट्राई करती है। ये थोड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा ही तो मुश्किल है, डरती है क्या? सही में गाइस, ट्रक भी इस बाइक के लिए कुछ नहीं है, देखो कितने आराम से मूव कर रही है। ये क्या ट्रक के नीचे? ओके यहाँ पर एक गरीब आदमी उठ गया है और तू हंस रहा है। ए ड्राइवर सॉरी ब्रो। ओ माय गॉड, चला मेरे को नहीं मरना, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, जल्दी से यहाँ से निकलना रैंगलिन। चलो गाइस, बाल बाल बचे, अब जिस चीज के लिए आया है वो करते हैं। वाह, मेरे को लगा तू भूल गया। अभी ये क्या है, अभी भी यहीं पर पड़ा है? उनके लिए एम्बुलेंस आई थी, तुमने उड़ा दिया था। ओ आई सी, आई एप्लोजाइज। वैसे भी मैंने उसको जान से नहीं मारा था। यहाँ पर कैमरा कब से आया? यही पे होगा, सीक्रेट रूम मिल गया। बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक मिनी गन है, सीक्रेट रूम नहीं देख पाएंगे क्या? डोंट यू वरी माई फ्रेंड,
स्टिकी बॉम्ब है, तो तू टेंशन नहीं है। मेरे को लगा तुम स्नीकी स्नीकी जा रही थी। ओ, उसके बारे में तुम्हें भूल ही गया। कोई नहीं, यहाँ पर एक की पैड है, कोड डालना पड़ेगा क्या? माइकल का बर्थडे होगा, अबे इतना इजी थोड़ी होगा। मेरे हिसाब से कोड है माइकल का फेवरेट नंबर, जो की है, मैं नहीं बताने वाला, आप लोग को कमेंट करके गेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ ट्राई करते हैं। मेरे को क्यों डरा रहा है? सीक्रेट रूम के अंदर आ गए। ठीक ही है, इतना बेकार भी नहीं है। तेरे पे तो ये भी नहीं है। ये कोई बड़ी बात है क्या? इससे अच्छा सीक्रेट बेस बना सकता हूँ मैं। और ये बॉम्ब एक्टिव है क्या? नहीं, ये सब छोड़, मैं तेरे को एक चैलेंज करता हूँ। क्या चैलेंज? माइकल से अच्छा सीक्रेट बेस बनाने का। ऐसा है क्या? ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। अबे ये क्या, बाल का कलर चेंज हो रहा है इसका? ये सब बढ़िया है, अगर मैं चैलेंज जीतता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अबे ये क्या स्कैम है? हाँ बॉब, ऐसे मत करो। ठीक है, तू ही बता क्या चाहिए तेरे को। बताता हूँ, लेकिन पहले यहाँ से निकलते हैं। मैडम जी को देखा ही नहीं, माइकल को बुला देगी। तेरे को याद? आई स्वेयर गाइस, ये सो रहा है। मैं बोल रहा था कि तेरे को याद है तूने एक दिन मेरे को कंट्रोल करा था? वो दिन कैसे भूल सकता हूँ, मेरा वन ऑफ द फेवरेट डे है। ठीक है, तो अगर मैं तेरे चैलेंज में जीतता हूँ, मैं तेरे को कंट्रोल करूंगा। क्या बोला? डर गया क्या बच्चू? वैसा नहीं है। अच्छा ठीक है, आइए। चैलेंज एक्सेप्टेड, फाइनली अपने घर के पास आ गई है। लेकिन एक सेकंड रुको, मेरे सामने से कोई बाइक वाला जाए और मैं उसकी पुंगी ना बजाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? तो नहीं, ना को इल्ले। दैट इज राइट, सलमान खान पब्लिक स्कूल के टॉप स्टूडेंट के साथ तुम पंगा नहीं ले सकते। अबे डॉच कैसे कर रही है बार बार? यो, भाग भी गया। वाह, क्या स्पीड है इसकी, इतनी हिम्मत। रुको अभी बता दूं इसको, लोग खुद ही गिर गया, बेशरम कहेगा। तेरी को भी गिरा दिया। ओ माय गॉड, दिला गाइस, आप लोगों ने देखा क्या स्टंट मारा? बस परफेक्ट लैंडिंग नहीं हो पाया, हो गया। हाय, ये बस एक प्रॉब्लम है, मेरी बैंड बच गई। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का सेम वीडियो में। फाइनली इतने टाइम के मेहनत के बाद मेरा सीक्रेट रूम बन गया। क्या आप लोग उसको देखने के लिए तैयार हो? यस, तभी तो वीडियो पे क्लिक करा था। क्या बात है बॉब दी हग्गू, आप भी उठ गए। यस, गुड आफ्टरनून। कितनी बार बोलो गुड मॉर्निंग होता है वो। एक और टपका हमारा मालिक। यू व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? अभी तक तो मस्त था, डरा दिया तूने। अब तो डरपोक है, तो उसमें मेरी गलती है। और तेरे को तेरा चैलेंज याद है ना? याद है, कैसे भूल सकता हूँ। वैसे भी बेकार भी सी होगा तेरा। प्रो को अंडर एस्टिमेट करके तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। आ जाओ गाइस चलते हैं, और बॉब की बैंड बजाती है। तो जो हमारे सीक्रेट बेस का सीक्रेट एंट्रेंस है वो मेरे पीछे नहीं आगे है। ये तो पाइप है। बिंगो मैड एंगल, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन ये कोई नॉर्मल पाइप नहीं है गाइस, ये देखिए, अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये नॉर्मल पाइप लगेगा, बट अगर आप फुल स्पीड में स्पेशल डाइव मारते हो तो लगता है पांच हड्डी तो टूटी गई। और गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे सीक्रेट बेस में। ओह माय गॉड जिला, ये क्या? ये तो कुछ नहीं है ब्रो, अभी बहुत कुछ बाकी है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करते आओ। ये रियल गोल्ड है क्या? और नहीं तो क्या, 122% रियल गोल्ड। सेफ खोलना? कौन सा, ये वाला सेफ क्या? उससे पहले यार एक बार इस गोल्ड ट्रॉफी को देखो, जो भी है ये। नहीं, उसके अंदर क्या है दिखा। वो नहीं हो सकता क्योंकि मैं इसका पासवर्ड भूल गया। वाओ, माय मालिक इज सो स्मार्ट। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मेरे हैकर टीम को बोल दूंगा, वो खोल देंगे। क्या बोला? हैकर टीम? अब कमाल के हाइस्ट करने तो हैकर टीम तो चाहिए होगा ना। अभी थोड़ी देर में तुम लोग को उनका सेटअप भी दिखा दूंगा। यार लग गए फिर से नाक पे, ये मजा आएगा। तो चलो आओ आगे बढ़ते हैं। वैसे इसका पासवर्ड तो मेरे को पता है गाइस, 1111111। ओह नो, रुको नोट करता हूँ। रात को अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा और पूरा लूटूंगा, तब तक मैं पासवर्ड बदल दूंगा। उदास मत हो रे, और भी ज्यादा उदास हो। ये तो नॉर्मल सेटअप है गाइस, और यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए पासवर्ड वो सब लगा हुआ है। मेन चीज तो यहाँ से स्टार्ट होती है। ये बेस तो बहुत बड़ा है। माइकल का बेस तो इसके सामने चुटकू सा बच्चा है। मैंने तेरे को पहले ही बोला था मेरे को चैलेंज नहीं करना चाहिए था तेरे को। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर खतरनाक से न्यूक्लियर वेपन्स है। अभी फिलहाल के लिए तो ये सीक्रेट बेस हम लोग के हाइस्ट के लिए है, तो ज्यादातर रूम्स में आप लोग को वेपन्स वो सब दिखने वाले हैं। व्हाट इज दिस, यहाँ का इंटरनेट सही में क्या? और नहीं तो क्या, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, 20 GB/s का स्पीड है आगा। वो कितना होता है? 6 ब्लिंक में तेरा पूरा GTA 5 डाउनलोड हो जाएगा। और यही है अपना हैकर रूम। जब हम लोग हाइस में जाते हैं तो लेस्टर यही पर बैठता है और जो हैकिंग टीम है उन सबको कमांड करता है। वो वेरी कूल तो होगा ही यू फूल। ये देखो इस साइड भी, और यहाँ पर ये कैच खुला हुआ है,
डेटिंग कर रही है क्या यहाँ पर बैठ के? भाई क्या चल रहा है? अब तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये दूर से उसे जेलस क्यों होता है? जेलस नहीं हूँ, मान लो कोई खतरनाक हाइस कर रहा हूँ और ये लोग मेरे को कुछ बता ही नहीं रहे कि कहाँ जाना है, फंस जाऊंगा वहाँ पर। सही बोला, काफी प्रॉब्लमेटिक है, फिर तुम जेल जा सकती हो। फिर तो बढ़िया है। तू चुप बैठ और देखो, यहाँ पर अपने लेस्टर का मेन ऑफिस, जो भी हम लोग के प्लान का मेन डिटेल्स है यहाँ पर वो मेरे को एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर मैं जाता हूँ और प्रोफेशनल हिटमैन की तरह खत्म कर आ जाता हूँ। इवन एडवांस वेदर डिटेल भी अपने पास, यहाँ पर हरिकेन्स वो सब आते रहते हैं गाइस, जिस टाइम पे पैराशूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ना, ट्राई करिए। नेचर से पंगा नहीं लेता मैं। और ये क्या डोर खराब हो गया भाई, कल ही तो लगवाया था इसको। सस्ते डोर लगाएगा तो यही होगा। सस्ता नहीं था, पूरे 30,000 का था। यहाँ का देखते एक बार को, ये बढ़िया है। अबे यार चलो कोई नहीं, वैसे भी 3 साल का वारंटी था गाइस, रिप्लेस करा दूंगा। ये देखो हम लोग के नेक्स्ट हाइस के लिए वेपन्स भी आ गए है। मेरे को भी चलाना है। नहीं, दुश्मनों से ज्यादा मेरे को मारता है क्योंकि वही प्लान रहता है। ये भी सही है। और यहाँ पर देखो भाई, स्पेस ही स्पेस है गाइस। यहाँ पर क्या है? सही में इतना बड़ा बेस है कि मैं खुद बोल गया कि मैंने क्या रखा हुआ है यहाँ पर। क्या बात है, और भी न्यूक्लियर वेपन्स, वेरी कूल। ठीक है तो अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर होने वाले हैं अपने फाइटर जेट्स। ये क्या, यहाँ पर मैं गिरा, खून वहाँ कैसे चले गया? GTA 5 के सस्ते नशे। अब क्या करे, बड़े बड़े गेम्स में ऐसे छोटे मोटे बग्स आ जाती है। और मेरे फाइटर जेट्स कहाँ पर? अच्छा, T2 भैया को दे रखा है यार रिपेयर कराने के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस, पार्किंग स्पेस भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। एटलीस्ट 5 जेट्स तो आ ही जाएंगे, या फिर 10 लैम्बोर्गिनी, गाड़ियों का तो पूरा शोरूम आ जाएगा। वैसे अभी आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग का सीक्रेट बेस बस इतना ही है, बट दिस इज नॉट इट गाइस, अभी और भी बाकी है। ये है हमारा प्लांट्स रूम। ये तो ग्रीन गॉब्लिन का है, सही पहचाना, मेरे से पंगा लिया था ग्रीन गॉब्लिन ने। और आप लोगों को तो पता ही है गाइस, कितना बड़ा प्रोफेशनल चोर हूं, तो उसका ग्लाइडर ही चुरा लिया। यहाँ पर हम लोग का हाई क्वालिटी गमलों का बिजनेस चलता है गाइस। दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा कम करने का। और इतना ही नहीं, अगर आप इसके पीछे जाती हो तो एक और सीक्रेट रूम है। बस एक प्रॉब्लम है, मेरे को याद नहीं आ रहा कि कौन से पैनल के पीछे है वो रूम। सारे पैनल तोड़ दे। वैसे इतना बेकार आइडिया नहीं है, मैं भी वही करने वाला था। आ जाओ गाइस, दम लगा के हाई सा, ये वाला पैनल नहीं है, मिल गया। मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं चैलेंज जीत गया। अब बताओ किसका बेस बढ़िया है? साइकिल का। बहुत मजाक हो गया, अब सच्ची मुच्ची बताओ ना। ठीक है, तेरा ही बेस बढ़िया है, माइकल का बेस तो इसके सामने बच्चा है। हे हे हे, मतलब अब मैं तेरे को एक दिन तक कंट्रोल कर पाऊंगा? क्या बोला, एक दिन नहीं, एक घंटा? नहीं ना कोई, तूने भी मेरे को ऑलमोस्ट एक दिन तक कंट्रोल करा था, अब मैं भी करूंगा। तो गाइस अगर आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग वाली वीडियो मिस ना करे। और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।